धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। हरिः आम् सन्ना देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयारविस्रवन्तु नः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित भवानी शंकर वैदिक और आप देख रहे हैं धर्म टीवी। आपको जानकारी के लिए बता दें, शनिदेव धनु राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिससे इस समय वृषभ कन्या राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित चल रहे हैं। और साथ ही बात करें वृश्चिक धनु और मकर राशि वालों की, तो ये भी शनि की साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और साथ ही शनि अगर कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो वह महादशा भी व्यक्ति को परेशान में डाल सकती है। शनि की ढैया वाले, शनि की साढ़े साथी वाले और शनि की महादशा से गुजरने वाले व्यक्तियों की बात करें तो वह निम्न परिस्थितियों से जूझते हुए देखे जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। अपने लक्ष्यों के लिए रास्ता बनाने के लिए उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उनको प्रत्येक अच्छे कार्य से करने से पहले बाधाएं जरूर आती हैं। विवाहित लोगों को दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनावश्यक विवाद भी होते रहते हैं। कुछ लोग संतान को लेकर परेशान चल रहे हैं। करियर की बात करें तो कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी वर्ग अपने काम धंधे को लेकर परेशान है। सेहत की बात करें तो कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिससे व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहा है। अगर आपके संबंधों की बात करें तो कुछ रिश्तों को लेकर परेशानी में चल रहे हैं, इसलिए कुल मिलाकर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से शनि के साढ़े साथी में जूझता हुआ नजर आता है। उनकी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शुभ दिन, शनि जयंती। क्योंकि कहते हैं ना, जिस कार्य को सही समय में और सही मुहूर्त में किया जाए तो उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। शनि जयंती पर करें विशेष उपाय और पाएं शनि देव के कष्टों से मुक्ति। आइए नजर डालते हैं शनि जयंती पर करने वाले विशेष उपायों पर। अगर आप शनि जयंती पर व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन अमावस्या तिथि है, इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पितृ तर्पण करके एक कलश में जल भरें, समी अथवा पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास उस कलश को रखकर एक वेदी बनाएं। वेदी पर काले रंग से रंगे हुए चावलों द्वारा 24 दल का कमल बनाएं। लोहे अथवा टीन की चादर काटकर बनाए गए शनिदेव की प्रतिमा को स्नान कराकर चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। काले रंग के गंध, पुष्प, धूप, फूल तथा उत्तम प्रकार के नैवेद्य का शनिदेव को भोग लगाएं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए अचूक उपाय है। यह पाठ शनिवार के दिन या इस शनि जयंती के दिन विशेष रूप से आप कर सकते हैं। इससे शनि के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दूसरे उपाय की बात करें तो शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। इस मंत्र को आप नित्य प्रति या शनि जयंती के दिन विशेष रूप से इसका जप कर सकते हैं। इससे शनि देव का आशीर्वाद आपके पास, आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। आइए अब बात करें शनि देव के बीज मंत्र की। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम सम शनेश्चराय नमः। शनि देव से संबंधित
सटीक उपाय के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरे उपाय की बात करें तो शनि जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल को जल अर्पित करके उसकी 7 परिक्रमा जरूर करें और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष पर दीपक जरूर जलाएं। इससे आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। शनि जयंती पर किए जाने वाले विशेष कार्य, इस दिन कार्य की बात करें तो इस दिन काले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, मामा व बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, कर्मचारियों अथवा नौकरों को खुश रखें। और अब बात करते हैं शनि जयंती पर ऐसा क्या न करें। शनि जयंती पर भूल कर भी शराब अथवा मांस का सेवन न करें, रात को दूध न पिए। अगर आप इस दिन कार्यों की व्यस्तता के चलते शनि जाप करने में असमर्थ रहते हैं तो शनि संबंधी चीजों का दान इस दिन बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले बात करें शनि देव की प्रिय वस्तु तेल का। इस दिन आप तिल, तेल और छाया पात्र दान कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि देव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन चीजों का शनि जयंती के दिन दान शनि ग्रह की शांति का प्रमुख उपाय माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इनका दान शनि देव द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को दूर करता है। छाया पात्र दान करने की एक विधि है जो कि बहुत ही सरल है। इसमें मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लीजिए और उसमें अपनी परछाई देखकर उसे दान कर दीजिए। शनि संबंधी जड़ी बूटी की बात करें तो इस दिन आप धतूरे की जड़ को धारण करें। इस जड़ को आप हाथ में या गले में धारण कर सकते हैं। इस जड़ी को धारण करने के बाद आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। और आइए अब बात करें रुद्राक्ष की। ज्योतिष शास्त्र में 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको धारण करने से जातक को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से जनित पीड़ा दूर होती है। शनि जयंती पर एक विशेष उपाय है। इस रुद्राक्ष को आप इस दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि से जनित कष्टों से राहत मिलेगी। इस दिन आप जितना हो सके काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़ियाओं को दाना खिलाना ना भूलें। इस दिन शनि जयंती के दिन चींटियों को आटा और मछलियों को दाना खिलाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। शनि जयंती के दिन शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं के जैसे साबुत, उड़द, लोहा, तेल, तिल के बीज, काले कपड़े का दान दोपहर अथवा शाम को करना अति उत्तम रहेगा। काले घोड़े की नाल या फिर नाव की कील से निर्मित अंगूठी को अपनी मध्यमा अंगुली में शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के समय धारण करें। यह उपाय शनि के प्रकोप से राहत दिलाएगा। इस दिन नमक, लकड़ी, रबर, लोहा, काले कपड़े, काली उड़द, चक्की, स्याही, झाड़ू, कैंची आदि चीजें न खरीदें। बाल व दाढ़ी भी न कटवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आपको बता दें, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हरि आम सन्ना देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयार विस्रवन्तु नः। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।